नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं सीएस भंडारी जी, जो एक समाज सेवी है। आज हमसे पूछना चाहेंगे कि बाबा साहब ने दिल्ली के अंदर विशाल ज़मीन खरीदी थी, वह कितने की थी और कहा जाता है कि उसमें द बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए ऑफिस है, लेकिन आप वहाँ क्यों नहीं बैठते हैं? मैं सभी को जय भीम नमो बधाई करता हूँ और एसएम न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि वो समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं और अपनी जो न्यूज़ है वो जन जन तक पहुँचाने कार्य कर रहे हैं। मैं उसको पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर भवन की बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ जोड़ करके किसी से दान नहीं लिया, किसी से भीख नहीं मांगी। उन्होंने लगभग 5000 रुपये में वो ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद उस ज़मीन को लोगों ने बढ़ा दिया और काफ़ी बड़ा विशाल है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया था, जो बॉम्बे में भी है और दिल्ली में भी है। इस अम्बेडकर भवन की जो रजिस्ट्री है, जो कार्य देखते हैं, वो दी शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर, दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन देखती है। क्या उसके कार्य हैं, कैसा काम चल रहा है, ये सभी आप लोग उसके बारे में जानते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 1957 में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का दफ्तर अम्बेडकर भवन पर खुला था। 1955 में बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी का गठन किया था और 1957 में बना था। पहले जो दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दोनों के एक ही प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सोनलाल शास्त्री थे। उसके बाद आपस में थोड़ा मनमुटाव चला और दोनों संस्थाएं अलग अलग हो गई और 1957 से ही बुद्धिस्ट सोसाइटी का ऑफिस अम्बेडकर भवन पर है। काफ़ी लंबे समय से 13 प्रधान हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी के, सभी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी का मेहनत की, सभी ने उसको सफल बनाने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई कि 2010 में हमने ऐसे व्यक्ति को प्रधान बना दिया जो व्यक्ति बुद्ध मिशन के बिल्कुल खिलाफ था, जिनके परिवार में ज्योतिषी का काम होता था, जो बीजेपी से संबंधित रखते थे, ऐसे आदमी को हमने प्रधान बनाया। और भविष्य में हम लोगों को ये भी पता नहीं था कि आगे चल के ये प्रधान ये बुद्धिस्ट सोसाइटी को हड़प लेगा, दफ्तर को हड़प लेगा और हमारे बाबा साहब की बनाई संस्था का नाश हो जाएगा, उसका विनाश होगा। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का चुनाव हर तीसरे साल होता था, ये हमारा उसमें संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जिन लोगों को ये पता था कि हम अगली बार नहीं आएंगे, तो उन्होंने 2014 में एक नई संस्था गठित कर ली और धोखे से किसी को बताया भी नहीं और वहीं पर जम गए। लगभग 15-16 लाख रुपए के करीब हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के 4 खातों से पैसा निकाला और अपने अलग खाता खोल करके उसमें पैसा डाल दिया, सारा कुछ हमारा पैसा खर्च कर दिया। हमारी बुक स्टॉल है, लाखों की किताबें थी उसमें, हमारा फर्नीचर था, हमारे बहुत सारी चीज़ थी, सब पर हड़प लिया और कुंडली मारकर बैठ गए। हम लोगों ने काफ़ी उसका प्रयास किया, मनाया, लेकिन नहीं माने तो हमें मजबूर होकर के कोर्ट में केस डालने पड़े। और यही कारण है कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यालय है लेकिन फिर भी हम वहाँ पर बैठ नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे सारे प्रोग्राम, सारे कार्य अम्बेडकर भवन पर होते हैं, लेकिन हमें सोचना है और देखना है, थोड़ा विचार भी करना है। समय बलवान है, समय कीमती है, आगे आने वाले समय का क्या निर्णय होगा, क्या जज निर्णय देगा, इसका हमें इंतजार है। इसीलिए सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम भगवान बुद्ध के मार्ग, जो शांति का मार्ग है, हम उस मार्ग को अपनाए हुए हैं, शीलता का मार्ग अपनाए हुए हैं, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं
कोर्ट का कि कब हमारा कार्यालय हमें मिले। यही कारण है कि जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यालय अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड दिल्ली पर होते हुए भी हम उसमें नहीं बैठ पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।